अज मैं थोड़ी मुलाकात करवा जा रहा है मानविंदर सिंह जी जिड़े कि स्पैशल कनेडा तो बैक का स्लिपर डिस्क का ट्रीटमेंट लैन आए हैं। अज आप मुलाकात करते हैं। सत श्रीकाल मानविंद सिंह जी। सत श्री अकाल मानविंद सिंह जी। सब तो पहले दसो भी थानू ये जी बैक प्रॉब्लम स्लिपर डिस्क की प्रॉब्लम कि आई सी जी। सर मैं 2012 के जिम एक्सरसाइज करते दौरान स्लिप डिस्क हो गई सी जी। उस तो बाद मैं कैनेडा च भी इलाज कराया अपना काफ़ी जगह तो जी। फिर उतों मैं कोई सैटिस्फैक्शन नहीं मिली फिर मैं वापस इंडिया आना पाया। ठीक है जी। इंडिया आके मैं काफ़ी डॉक्टरों ने कंसल्ट किया तो मैक्सिमम डॉक्टर यही कह रहे थे भी यहाँ इलाज सिर्फ सर्जरी है। ठीक है जी। फिर मेरे एक फ्रेंड है इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर ने महेंद्र सिंह उन्होंने थ्रू मेरी मुलाकात थोड़े नाल हुई जी। फिर उन्होंने मैंने दसिया कि मैं थोड़े को आया तो फिर तुम दसिया भी यदा बिना ऑपरेशन तो इलाज हैगा जी जी जी। तो मैं पिछले 3-4 महीने तो थोड़े को मेडिसिन ले रहा हाँ ट्रीटमेंट करा रहा तो मैं काफ़ी फर्क है बहुत इंप्रूवमेंट है। ठीक है जी। स्टार्टिंग मेरी लैग वीक सी नमनैस सी पर ट्रीटमेंट चलते दौरान नाल मेरी नमनैस भी जा रही है तो लैग मतलब अगर काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गई है। ठीक है जी। की लगता है भी जो थानू सर्जरी दसी सी उदो मैं की महसूस होता सी मैं ठीक हो जाऊंगा? नहीं एक टाइम से तो इदा लगता सी कि हुण लाइफ दे विच मतलब कि एक्टिविटी वगैरह करन च मैं मतलब क्योंकि तुहाडी गेम बहुत अच्छी सी। हाँ जी शुरू तो मतलब मैं गेम्स वगैरह करता रहा जिम वगैरह तो इन चीज़ों से दूर होने नाल फिर दुखन का दूसरा यह भी जी हेल्थ है वह खराब हो गई तभी होंगे जी जी जी। पर तुहाडे कोलों दवाई लैण नाल ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਲੈਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਐਮ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਲਾਜ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਸਲਿਪਰ ਡਿਸਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੱਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮਾ ਕੋਲੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਚੀਰੇ ਟਾਂਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਕਦ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ? ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ 5 ਡੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ।